लेटेस्ट WWE न्यूज़ और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल करें प्रेस, जिससे आपको लेटेस्ट WWE न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहेंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसलिंग रन। और आज हम बात करने वाले हैं एक WWE सुपरस्टार के बारे में, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया WWE से, और बात करेंगे रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो बिना वक्त गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रो की व्यूअरशिप के बारे में। तो लास्ट वीक जो रो हुई थी उसकी व्यूअरशिप थी 2.70 मिलियन व्यूअर्स, और हमें यही था कि जो भी रो होगी उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। काफ़ी अच्छी रो हुई, अंडरटेकर भी आया, हमें शील्ड का एक्शन देखने को भी मिला। पर जो अब रो हुई है उसकी व्यूअरशिप सिर्फ 2.672 मिलियन व्यूअर्स, तो व्यूअरशिप काफ़ी घटी है। 2.5% व्यूअरशिप कम हो चुकी है रो की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए WWE को कुछ बड़ा करना पड़ेगा रो में, इसलिए रो की व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट ये आ रही है कि मैट हार्डी ने रिटायरमेंट ले लिया है, और उन्होंने रिटायरमेंट में ये कहा कि अब मेरा समय आ चुका है, मेरा टाइम आ चुका है घर पर जाने का, और जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मैंने रेस्लिंग में, प्रो रेस्लिंग में काम किया है, और अब मेरा समय आ चुका है कि अब मैं अपने घर जाऊं और अपनी ड्यूटीज फुलफिल करूं एज अ हस्बैंड और एज अ फादर। जो अपनी रिटायरमेंट पर वो बोले थे, वो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।